हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर यानी एम्स रायपुर द्वारा निकाली गई नॉन फैकल्टी पोस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्स रायपुर द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें 10th 12th ITI और MSc BSc और डिग्रीधारी कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकली है, जिसका नोटिफिकेशन 17/6/2023 को निकाला गया है। तो जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या जिनके पास मेडिकल संबंधी कोई डिग्री है और जो कि आगे चल के सरकारी नौकरी में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो हमारे वीडियो पर बने रहे, क्योंकि आज की वीडियो में एम्स द्वारा निकाली गई इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी तरह के नई नई अपडेट है वो समय समय पे मिलते रहे। आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट्स देता रहता हूँ। दोस्तों, अपन आ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, जिसके बारे में मैं आपको भी जानकारी दे लूँ। दोस्तों, ये 17/6/2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसकी हेडिंग है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायपुर। अब यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का नाम दिया है, फिर ग्रुप दिया हुआ है, फिर पे लेवल दी हुई है, आगे वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले ट्यूटर और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है, इसका ग्रुप ए है, इसको 7th पे कमीशन के लेवल 10 में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसकी टोटल 12 पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बी लेवल एट इसकी 126 पोस्ट है। सीनियर हिंदी ऑफिसर की एक पोस्ट है। डाइटिशियन की 10 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की 4 पोस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 8 पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2nd की 27 पोस्ट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 5 पोस्ट है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी की 1 पोस्ट है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन की 6 पोस्ट है और रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट की 8 पोस्ट है। मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन की 6 पोस्ट है। स्टोर कीपर कम कलर की 85 पोस्ट है। वायरमैन की 20 पोस्ट है और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd नर्सिंग ऑर्डरली की यहाँ पे 30 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो पदों की संख्या है वो 358 रखी गई है, जिसमें से अनरिजर्व की 171 है, OBC की 91 है, SC की 46 है, ST की 21 है और EWS की 29 पोस्ट रखी गई है, जिसमें PWD BD पर्सन के लिए 14 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 17 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। अब नीचे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि नीचे आपको दिया जाएगा, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो सबसे कैंडिडेट को इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट www.emsraipur.edu.in पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 20/6/2023 से स्टार्ट होकर 19/7/2023 तक इसका फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। जो फॉर्म है पूर्ण रूप से ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा। जो एज और अदर क्वालिफिकेशन है वो इसकी गणना 19/7/2023 की स्थिति में की जाएगी। उसके बाद मेडिकल फिटनेस, तो जो कैंडिडेट है उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। उसमें क्वालिफाई होने के बाद में कैंडिडेट्स को फाइनली अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन है वो CBT टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। दोनों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा। जो CBT टेस्ट है उसमें जो क्वालिफाई करेगा इंटरव्यू में उनके 1:4 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी एक पद के अनुपात में 4 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसी प्रकार से ग्रुप बी और सी में CBT टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल्स दी है CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो सबसे पहले जो स्कीम ऑफ CBT फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, जिसमें जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी रिसेप्शन ऑल अटेंडेंट स्टोर कीपर कम कलर्क एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd को छोड़कर इसमें जो 100
क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, जो 100 नंबर के होंगे, और इसमें टोटल 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। जिसका पार्ट फर्स्ट होगा वो 25%, उसमें 25 मार्क्स होंगे, और जो पार्ट सेकंड होगा वो 75 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ जो कैंडिडेट है उनको मिनिमम अंक अर्जित करने जरूरी है पार्ट सेकंड जीबीटी टेस्ट के। इसमें अनरिजर्व को 35% और ओबीसी नॉन कर्मी मिले, ईडब्ल्यूएस को 30%, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडीओ एक्स सर्विसमैन के लिए 25% मार्क्स है वो पार्ट सेकंड में अर्जित करने जरूरी। इसी प्रकार से जो जूनियर स्केल स्टेनो रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट स्टोर कीपर कम कलर और हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, इनके लिए 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर के 90 मिनट इसमें दिए जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस है जनरल नॉलेज अवेयरनेस इंग्लिश कम्प्रेहेंसिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट हैंडलिंग ऑफ स्टोर GFR 2017 ओनली फॉर द पोस्ट फॉर स्टोर कीपर। इसमें भी कैंडिडेट्स को मिनिमम अंक प्राप्त करने जरूरी। अनरिजर्व को 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30%, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी एक्स सर्विसमैन को 25% मार्क्स अर्जित करने जरूरी है। इसमें 0.25% प्रत्येक रोंग आंसर के लिए नंबर काटे जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के सेंटर दिए हुए, तो टेस्ट है वो न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और रायपुर में इसके एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। फिर जो ई एडमिट कार्ड है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, और जो आंसर की है जो सीबीटी टेस्ट की वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही डाली जाएगी। अब जो रिजल्ट है वो इस एम्स रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली जाएगी। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक सर्विसमैन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के जो एम्प्लॉय को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी के साथ एक सर्विसमैन और जो एम्स के कर्मचारी उनको भी यहाँ पे नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की अपन बात करते हैं, तो जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 900 रुपये रखी गई है, और प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये एंड टोटल 1000 रुपये उनको पेड करने हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी फीमेल एक्स सर्विसमैन की एप्लीकेशन फ़ी नील है, जबकि प्रोसेसिंग फ़ी है वो 100 रुपये रखी गई है। अब जो प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग का, तो इसमें आपके पास ईमेल वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर और ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको करना है, या आपको एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए हैं, जो कि आपको एक बार एप्लीकेशन आवेदन करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से केयरफुली आपको पढ़ना है, और जब सारी आपको एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया समझ में आ जाए उसके बाद भी आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए बीएससी की डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी एज लिमिट हाईएस्ट 35 वर्ष रखी गई है। फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी बीएससी और एक्सपीरियंस जरूरी है, एज 21 से 35 साल होनी चाहिए। फिर सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए मास्टर की डिग्री के साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एज लिमिट इसमें कोई अप्लीकेबल नहीं है। डाइटिशियन के लिए भी एमएससी की डिग्री और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एज लिमिट 21 से 35 वर्ष। लाइब्रेरियंस ग्रेड थर्ड के लिए भी बैचलर की डिग्री और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एज लिमिट 21 से 30 वर्ष। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इनके पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की डिग्री या बैचलर की डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एज लिमिट 21 से 30 वर्ष। स्टोर कीपर के पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री या पीजी की डिग्री होनी जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट 18 से 35 वर्ष। फिर टेक्नीशियन ऑफिस के लिए 10+2 विद साइंस या इनके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, और एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष की एज लिमिट में होनी जरूरी है। फिर फार्मा सेकंड के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस और एज लिमिट है 21 से 27 वर्ष। फिर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए बीएससी की या 10+2 की डिग्री होनी जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ साथ एज है वो 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी के 10+2 के साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर के ऊपर है एक्सीलेंट कमांड होनी जरूरी है हिंदी में, एज लिमिट 21 से 30 वर्ष इस पर रखी गई है। फिर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है, एज लिमिट 21 से 27 वर्ष। फिर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के 10+2 या 10th की डिग्री एक्सपीरियंस के साथ साथ होनी जरूरी है, और एज लिमिट 21 से 30 वर्ष। अब जो इलेक्ट्रीशियन है ये
टेक्निकल पोस्ट आ गई, इसमें 10th की डिग्री होने के साथ आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसके साथ ही आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैकेनिक एसी एंड रेफ्रिजरेशन है, तो इसमें 10th के साथ आईटीआई या डिप्लोमा होना ज़रूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस, और एज लिमिट 18 से 40 वर्ष। फिर स्टोर कीपर कम कलर की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वायरमैन है, इसमें 10th क्लास के साथ साथ आईटीआई का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd के लिए मेट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है और एज लिमिट 18 से 30 वर्ष इसकी रखी गई। फिर यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है कंप्यूटर टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो पार्ट फर्स्ट है वो 25 नंबर का दिया हुआ है। ये किन सीबीटी एडवर्ट, ये जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट स्टोर के ऊपर कम कलर एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd को छोड़कर बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए ये दिया हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट होगा वो 25 नंबर का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 10 नंबर का, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव जो 10th लेवल तक का होगा 5 नंबर का, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड क्लास 10th लेवल तक का होगा 5 नंबर का, जनरल एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी 5 नंबर की। अब जो पार्ट सेकेंड होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। इट विल बी पोस्ट स्पेसिफाइड, यानी इसमें जो शुरू के जो 25 मार्क्स होंगे वो तो सभी के लिए जनरल्स होंगे, लेकिन जो पार्ट सेकंड होगा ये सभी का, उनके जो योग्यता रखी गई है उसके अनुसार सभी का अलग अलग होगा। ये 75 नंबर का होगा। इस 75 नंबर के क्वेश्चन में कैंडिडेट को जो मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं 35%, 30%, 25% वो अर्जित करने ज़रूरी हैं, तभी उनको आगे मेरिट में शामिल किया जाएगा। फिर यहाँ पे ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए जो 75% का मार्क्स है वो यहाँ पर दिखा रखा है कि उनके लिए क्या क्या आएगा, तो वो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे तरीके से चेक करना। इसमें 14 पोस्ट हैं जिनके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में जो जूनियर स्केल स्टेनो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd नर्सिंग ऑफिसर, इनके लिए जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, तो इनमें एक ही इनका पार्ट होगा, इसमें 2 पार्ट नहीं होंगे। इसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव 10 नंबर की, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 10th लेवल तक का होगा 10 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का होगा। फिर स्टोर कम कलर है, इसका भी सिर्फ एक ही पार्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस शामिल होंगे, इसमें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगी 50 नंबर की, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव 10th लेवल तक की 10 नंबर की, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर के, रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ स्टोर 10 नंबर के, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये 5 नंबर के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो निर्धारित अवधि में ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र है उस पर फिलअप कर दे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी जॉब है, तो जिनके पास ये योग्यता है वो इसमें ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।